अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक एवरीवन। आज मैं शेयर कर रही हूँ मुहर्रम स्पेशल शरबत की रेसिपी। ये शरबत कितना ज़्यादा गाढ़ा, रबड़ी जैसा और ठंडा ठंडा बहुत ज़्यादा यमी है, बनाने में आसान है। रेसिपी को फॉलो कीजिएगा, बीच बीच में मैं कुछ टिप्स भी बताऊँगी तो उसे भी फॉलो कीजिएगा, तो आपका भी शरबत इसी तरह से बहुत मज़ेदार बनेगा। स्टार्ट करेंगे रेसिपी। सबसे पहले बेसिल सीड्स को भिगा देंगे। ये सब्ज़ा है तुकमलंगा और इसे हम नॉर्मल पानी से भिगा कर 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे ताकि ये फूल जाए अच्छी तरह से। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चैनल पर 10K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया मुझे, आगे भी इसी तरह से सपोर्ट कीजिएगा। यहाँ पर कुछ स्पेशल सा पाउडर बना लेना है हमें शरबत के लिए, तो जिसके लिए कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लेना है तो जो अवेलेबल हो आपके पास वो ले सकते हैं। मैंने लिया है काजू 2-3 बड़े चम्मच और 10 से 12 बादाम ले लिया है और अखरोट ले लिया है। उसके बाद हमें 5-6 इलायची के दाने भी ले लेना है। तो इस तरह से दाने अलग कर लेंगे और छिलका हम फेंकेंगे नहीं, इसको चाय की पत्ती के डब्बे में डाल देंगे ताकि जब भी हम चाय बनाएं तो चाय के साथ, यानी चाय की पत्ती के साथ वो भी चाय में आ जाए। और अलग कहीं रख देते हैं छिलके को कि बाद में डाल देंगे चाय के अंदर तो भूल जाते हैं हम, तो मैं क्या करती हूँ उसी टाइम चाय की पत्ती के डब्बे में डाल देती हूँ छिलका। और 1 कप चीनी डालकर इसको पीस लेना है, एक फ़ाइन पाउडर तैयार कर लेना है इसका, अच्छा सा जितना बारीक हो सकता है उतना पीस लेंगे। फिर उसके बाद एक खुला हुआ बर्तन लेना है और इसमें डाल देना है इस पाउडर को। यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले लिया है और इस ड्राई फ्रूट के पाउडर के साथ हमें ले लेना है 2 बड़े चम्मच कस्टर्ड पाउडर। ये वेनिला कस्टर्ड पाउडर है, इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। इसी से थिकनेस आएगी और रबड़ी जैसा टेक्सचर आएगा शरबत में, तो इसको हम अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेंगे, फिर उसके बाद दूध डालेंगे। तो यहाँ पर ये नॉर्मल टेम्परेचर का दूध है, गर्म दूध नहीं डालेंगे नहीं तो गुठली पड़ जाएगी। ये तो वही बात हो गई ना, गैस पर रख कर दूध डालें, तो यहाँ पर अभी गैस वगैरह नहीं जलाना है, गैस पर नहीं रखना है, पहले हमें मिक्स कर लेना है इसे अच्छे से। और आप चाहें तो इसी पाउडर को बनाकर 15 से 20 दिन के लिए फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं। जब भी आपका शरबत पीने का दिल करे तो इसको आप इंस्टेंट तौर पर बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1 लीटर दूध लिया था, फुल फैट मिल्क, और इसे अच्छे से बॉईल करके ठंडा कर लिया था, उसी दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। तो इसमें सारा दूध डाल दिया है कढ़ाई में और ये अच्छे से मिक्स भी हो चुका है जो भी चीज़ें हमने इसमें डाली थी। और अब गैस पर रख देंगे, स्टार्टिंग में हाई फ्लेम रखेंगे, जब टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा तब गैस को धीमा करके इसको लगातार चलाते रहेंगे ताकि मिक्स हो जाए अच्छे से, कोई गुठली वगैरह ना रहे। यहाँ पर मैंने विस्कर लिया हुआ है जिसकी वजह से ईजिली मिक्सअप हो जा रही हैं सारी चीज़ें और नीचे से लग भी नहीं रहा है कस्टर्ड। अब इसमें बॉयल आने लग गया है, गैस को स्लो करेंगे और 1-2 मिनट के लिए हम इसे पका लेंगे। ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि हमने इसमें बॉयल किया हुआ दूध इस्तेमाल किया है। गैस बंद करेंगे और इसको ठंडा कर लेंगे हम, रूम टेम्परेचर पर आने तक का वेट करेंगे। अब शरबत में एक अच्छा सा कलर लाने के लिए हम इसमें फूड कलर डाल देंगे, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपके पास केसर है तो वो हेल्दियर अल्टरनेटिव है, अगर आपके पास सैफरन है, नहीं है तो कोई बात नहीं, शरबत बहुत अच्छा, बहुत रिफ्रेशिंग है और काफ़ी फ्लेवरफुल है क्योंकि हमने इसमें इलायची जो डाली है ना उससे बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही है। तो कलर डाल देने से बेसिकली शरबत का कलर जो इस तरह का हो जाएगा, आप देख सकते हैं थोड़ा टेम्पटिंग लगने लगेगा। जब ये बिल्कुल से ठंडा हो जाएगा तो ये और गाढ़ा हो जाएगा, आप देख सकते हैं। तो इसकी कंसिस्टेंसी आप चाहें तो एडजस्ट कर सकते हैं ठंडा दूध डालकर, लेकिन मैं इसे एज़ इट इज़ रखूँगी। इसके अंदर अब भीगा हुआ डाल देंगे तुकमलंगा 2 चम्मच डालेंगे। ये देखिए 2 चम्मच भिगाने पर कितना ज़्यादा हो गया है, इससे 9-10 के रोज़े भी निकल जाएंगे। और इसे मिक्स कर लेंगे हम शरबत के अंदर और फिर डाल देना है आइस क्यूब्स और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं बर्फ़ डालने के बाद भी इसकी कंसिस्टेंसी, बर्फ़ पिघल जाएगी तो भी ये ज़्यादा पतला नहीं होगा, इसी तरह से गाढ़ा और क्रीमी रहेगा। बहुत यमी बनता है, बहुत रिफ्रेशिंग है और हेल्दी भी है। आई होप आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। वीडियो को शेयर कर दीजिए अपनों के साथ। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।